सो वेलकम बैक टू कस्टमरी। मैं वसीम आज फिर से एक वीडियो लाए हैं और आज भी कोई गाड़ी का वीडियो नहीं है। आप मेरा सामने देख रहे हैं, एक इंजन रखा हुआ है और यहाँ पे और कुछ चीज़ रखा हुआ है। तो हम इसके बारे में आज थोड़ा डिटेलिंग करेंगे और ये आपका फ़ायदे के लिए है जो ई रिक्शा अभी चला रहे हैं, जो पैसेंजर ई रिक्शा में अभी भी डील कर रहे हैं और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका ई रिक्शा का बिजनेस है वो भी, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो पूरा लास्ट तक बने रहिए मेरा वीडियो में। आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो जो ई रिक्शा चलाते हैं उसके लिए भी फायदेमंद है और जो ई रिक्शा का बिजनेस करते हैं उसके लिए भी फायदेमंद है। तो बेसिकली ये जो चीज है आप देख सकते हैं, ये एक पेट्रोल इंजन है। इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर कोई कस्टमर का, मान के चलिए जो ई रिक्शा चलाता है वो लोग एक हार्डल फेस करता है, क्या कि कभी काफी टाइम क्या होता है कि वो लोग पैसेंजर लेके जा रहे हैं, तो एक दिन में अगर तीन चार अगर कोई रिजर्व में जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उनका जो प्रॉपर माइलेज है उसके बाहर जाके वो लोग काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिसका बदौलत आप अनलिमिटेड किलोमीटर तय कर सकते हैं। और ये एक पेट्रोल इंजन है, इसमें क्या होगा, आपका अगर बैटरी ख़त्म हो जाता है, जहाँ से आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है वहीं पे आप ये पेट्रोल इंजन को ऑन करके आप अनलिमिटेड किलोमीटर चल सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज है कि आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा, यही आपका एक कॉस्टिंग जाएगा इसका ऊपर। और ये छोड़ के इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है इसमें। और एक चीज है कि इसमें हम आपको अब दिखाने वाले हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इसके संग एक्सेसरीज दिया जा रहा है और कैसे करके फिटिंग करेंगे, उसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ये जो चीज है ये बहुत ही हेल्पफुल है और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पैसेंजर ई रिक्शा के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लोडर के लिए भी है। ये आपका 48 वोल्ट, मतलब कोई अगर लीड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं, चार बैटरी वाला जो गाड़ी आता है उसके लिए भी ये सपोर्टेबल है। जो पांच बैटरी वाला गाड़ी है, जैसा 60 वोल्ट का गाड़ी अगर किसी का है उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। या किसी का 6 बैटरी अगर रहता है, मतलब 672 वोल्ट, उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। और ये ऐसा चीज है कि इसमें अगर आप पेट्रोल डालिएगा तो इसमें आपको ऑन एन एवरेज 35-40 किलोमीटर का आपको माइलेज मिलेगा इन ए सिंगल लीटर। एक लीटर अगर इसमें पेट्रोल डालिएगा तो 35-40 किलोमीटर का आपको माइलेज मिलेगा। अब ये माइलेज क्या होता है, ये माइलेज डिपेंड करता है आपका ऊपर, कितना आपका गाड़ी में कितना लोड है वो लोड का ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी क्लेम करता है 35-40 किलोमीटर का माइलेज और वो भी आपका 200 केजी वेट का ऊपर। आप इसमें अगर वेट ज्यादा बढ़ाएंगे, वेट अगर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें माइलेज जो है धीरे धीरे कमता रहेगा, लेकिन वो आपको 25 से 30 तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, और एक चीज है, हम लोग कभी भी मिस सेलिंग नहीं करते हैं, उसी कारण से हम आप फ्रंट वीडियो में भी बता दे रहे हैं। ये जो इंजन है, ये इंजन का लोडिंग कैपेसिटी 700 केजी तक का है, मतलब इसमें आप मैक्सिमम 700 केजी लोड लेके ही चला सकते हैं। इससे ज्यादा अगर चलाएंगे तो आपका ये इंजन में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये इंजन को ऑपरेट करने के लिए हम लोग का एक कंट्रोलर आता है। ये कंट्रोलर क्या हो जाएगा, ये कंट्रोलर बर्न हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोड ज्यादा देने से ये हीट होके बर्न हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ले रहे हैं, और मेरा YouTube चैनल में जाइएगा देखिएगा, मेरा हम लोग का बहुत सारा इलेक्ट्रिक लोडर जो है वो आपका ये पेट्रोल इंजन से गया है, लेकिन हम लोग अभी तक ये पेट्रोल इंजन का कोई वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन अभी बहुत सारा डिमांड आ रहा है, बहुत सारा ई रिक्शा कस्टमर ये पेट्रोल इंजन को हम लोग से ले रहे हैं। हम लोग ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर रहे हैं आपको, जहां से भी हो आप, आपका ये कुरियर से ईकॉम एक्सप्रेस दिल्ली वाली DTDC कुरियर से आपके पास ये पहुंच जाएगा और उसमें आप बेफिक्र रहिए। और सबसे मेन बात है कि इसमें आपके संग जो जो दे रहा है, ये देखिए आपका ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर आपका यहाँ पे सपोर्ट कितना करता है आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आपको शायद वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, हम आपको पढ़ के सुना रहे। 48/60/72 वोल्ट, मतलब ये 48 वोल्ट 60 वोल्ट 72 वोल्ट को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेड, कौन सा डेट में इम्पोर्ट हुआ है उसका डेट भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है वो चीज कब का इम्पोर्टेड है। और इसके संग क्या आता है, इसके संग आपको, इसके संग कनेक्ट करने के लिए
और बैटरी के संग गाड़ी के संग कनेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास एक वायर दिया हुआ रहता है, ये वायरिंग आता है। ये वायरिंग का सामने देखिएगा एक आपका यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये स्विच में बीच में आपका ऊपर करेंगे तो आपका ऑन होगा और नीचे करेंगे तो आपका ऑफ हो जाएगा। मतलब ये पुश बटन है, आपको कोई भी लीवर टान के या किसी मैनुअल तरीके से आपको इसको ऑन करने का जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे सिर्फ स्विच ऑन करके इसको चालू कर सकते हैं। और इसके संग और एक अटैचमेंट दिया हुआ रहता है, ये है आपका बैटरी शॉर्टिंग केबल, इससे आपका बैटरी की शॉर्टिंग करके आपको कनेक्ट करना पड़ता है। और कैसे करके कनेक्ट किया जाता है, क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन का अलग सा वीडियो हम लोग नेक्स्ट कुछ गाड़ी में अगर ये इंजन लगता है तो उसके लिए हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे करके इसको कनेक्ट किया जाता है, इसका वायरिंग डिटेल्स हम आपको दिखाने वाले हैं। नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिक अगर कोई भी गैराज का मैकेनिक हो, वो मैकेनिक को बोलने से ही वो कर सकता है। और सबसे मेन खासियत की इसके संग ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग के संग और एक हम आपको दिखाते हैं, ये वायरिंग के संग ये देखिए दो वायर यहाँ से निकल गया है। तो ये दो वायर क्या होगा, ये आपका गाड़ी का जो मेन आपका इग्निशन स्विच है, मतलब जिसको हम लोग की बोलते हैं, उस की के संग ये लगेगा ताकि आपका अगर स्विच ऑफ रहेगा कोई भी बंदा इसको ऑन करके आपको इंजन को नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इग्निशन स्विच के संग कनेक्टेड रहेगा, मतलब जब तक आपका इग्निशन स्विच ऑन रहेगा तब तक आपका ये चालू, मतलब ये वर्क करेगा, मतलब इग्निशन स्विच ऑन करके आपको ये चालू करेंगे तभी ये चलेगा। अगर इग्निशन स्विच या चाबी हम जिसको बोलते हो, चाबी को अगर खोल के आप रख देंगे उसके बाद अगर कोई बंदा इसको अगर ऑन करेगा तो ये नहीं चलेगा। तो ये चीज ऐसे करके ये सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि अगर कोई कस्टमर चाबी बंद करके लेके चला जाता है तो कोई भी आके इसको चालू करके गाड़ी को नहीं जा सकता है। और इसके साथ हम आपको और एक चीज दिखाते हैं, ये जो है ये आपका पेट्रोल टैंक है, इसमें आपका 5 लीटर का ये पेट्रोल टैंक है। नॉर्मल ये 6 लीटर का आता है लेकिन हम लोग इसको 5 लीटर बोलते हैं। और 5 लीटर में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑफ ऑन स्विच है, जैसे अगर हम लोग का बाइक में जैसे करके ऑफ ऑन स्विच रहता है वैसे यहाँ पे ऑफ ऑन स्विच है। और इसके इसके साथ इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग के पास एक पाइप भी है, जो पाइप हम लोग इसके साथ देते हैं, ये पाइप यहाँ लगेगा और एक पाइप यहाँ पे लगेगा। तो ये जो है ये टैंक जो है, ये टैंक आपका इंजन से थोड़ा हाइट में आपको रखना पड़ेगा ताकि ये जो फ्लो है, ये जो पेट्रोल का फ्लो है, वो फ्लो रनिंग बना रहे। अब हम ये गाड़ी और ये जो इंजन है, ये इंजन के पास आते हैं, आप देख सकते हैं ये इंजन जो है, ये इंजन का सामने जो पोर्शन है आपको सामने से एक जो दिख रहा है, ये जो है ये आपका एग्जॉस्ट चेम्बर है। नॉर्मली हम लोग का बाइक में जैसे करके एग्जॉस्ट पाइप रहता है तो ये भी एक एग्जॉस्ट चेम्बर है, जो भी हीट आता है हीट यहाँ पे आके स्टोर होता है। और उसके बाद यहाँ पे नल है, यहाँ पे पाइप का मुंह है जहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ये जो धुआं है वो धुआं निकल जाता है। तो ये एग्जॉस्ट चेम्बर है और आप देख सकते हैं कि ये जो मेन इंजन है, आपको ये इंजन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इंजन है, ये आपका इंजन है। और ये इंजन का यहाँ पे देखिए, आप जो आपका इंजन ऑयल है, आपको यहाँ पे इंजन ऑयल को स्टोर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ये इंजन ऑयल देना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मली हम लोग बाइक में जैसा मोबिल चेंज करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इंजन ऑयल देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इंजन का, कहाँ पे आप मोबिल इंजन ऑयल दीजिएगा, कहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप है वो सब। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको घुमा रहे, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका फैन है, ये फैन रोटेटिंग करेगा, ये फैन घूमेगा, तो ये आपका फैन है। और एक चीज है जो है यहाँ पे, ये जो है ये एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर कैसे करके हम आपको दिखाते हैं, एयर फिल्टर को हम यहाँ से खोल सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर एयर फिल्टर। नॉर्मल हम लोग बाइक में भी, जो गाड़ी हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें भी देखिएगा एयर फिल्टर रहता है। तो एयर फिल्टर अगर सही नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा, आपका इंजन का जो है, इंजन काफी काफी टाइम बंद हो सकता है, या तो क्या बहुत आवाज करता है, बहुत माइलेज कम हो सकता है। तो ये जो आपका एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर को आपको सही रखना है। देखिए ये एयर फिल्टर है, देख सकते हैं आप, हम आपको खोल के दिखाते हैं, ये एयर फिल्टर है, यहाँ से आएगा। तो यार एयर फिल्टर को आपको ऑल टाइम आपको सही रखना पड़ेगा। नॉर्मली एयर फिल्टर को वॉश किया जाता है, आप वॉश करके भी यूज कर सकते हैं, और जब देखेंगे कि एकदम हालत खराब हो गया तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज करने के लिए कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, एक स्पॉन्ज, एक इंची का फोम अगर लीजिएगा तो उससे ही आपका काम चल जाएगा। और नॉर्मली इसको चेंज कब किया जाता है, 50 आवर, अगर ये इंजन को अगर 50-50 आवर आप यूज करते हैं तो 50 आवर के बाद आपको ये जो एयर फिल्टर है उसको वॉश करना पड़ेगा, और बहुत अच्छा से वॉश करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई भी डस्ट ना रहे।
तो ये आपका एयर फिल्टर का पोजीशन हम आपको दिखा दिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी है वो कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है, ये देख सकते हैं OHB ये कंपनी है, इस कंपनी का इंजन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब ये इंजन का हम आपको हर एक पार्ट दिखा दिए हैं, अभी हम आपको बताते हैं आपको यहाँ से आपका जो वायरिंग पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका वायरिंग पार्ट है, ये वायरिंग पार्ट जो मैकेनिक इसको फिटिंग करेगा उसको पता है कि कहाँ पे क्या वायरिंग अटैच करना है। तो अभी इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये जो इंजन है ये 3 हॉर्स पावर का इंजन है, दैट मीन्स 3 किलोवाट का इंजन है, 3000 वाट का इंजन है। तो ये इंजन में आपको मैक्सिमम 700 kg का लोडिंग आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप लोड नहीं लीजिएगा, ये आप ही के लिए बेटर है। तो अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो प्लीज बेझिझक कॉल करिए, हम लोगों का जो लोकेशन है वो लोकेशन हावड़ा वेस्ट बंगाल है, लेकिन हम लोग ऑल ओवर पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं, आप कहीं से भी हो तो प्लीज कॉल करिए। और ये जो इंजन है ये इंजन आपका थ्रू DTDC ईकॉम एक्सप्रेस डिलीवरी, ये तीन हम लोग जो आपका कोरियर सर्विस है उस कोरियर से हम लोग का ये डिस्पैच होता है। तो और एक चीज है कि इसका जो अभी का आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर इसका कॉस्टिंग क्या है, तो इसका कॉस्टिंग अभी दुर्गा पूजा के लिए ऑफर है, इसका कीमत है 16,000 प्लस 18% GST और कोरियर चार्ज, ये आपका इसका दुर्गा पूजा का ऑफर है। नॉर्मली मार्केट में बहुत सारा कंपनी कुछ कंपनीज है जो लोग इसको 25,000 में सेल कर रहे हैं, तो अभी के लिए दुर्गा पूजा ऑफर है, ये 16,000 प्लस 18% GST आपका कॉस्टिंग पड़ेगा। तो ये जो चीज है, और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत कस्टमर कॉल करते हैं कि सर कैश ऑन डिलीवरी का, सर ये पॉसिबल नहीं है कैश ऑन डिलीवरी, आपको प्रीपेड ये सर्विस है, अगर आपको चाहिए तो आप पहले आपको हम लोग का कंपनी अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका डिस्पैच होगा, और डिस्पैच जब होगा हम आपको प्रॉपर ए वे बिल नंबर दे देंगे, एयर वे बिल नंबर जैसा जिसको बोलते हैं AWB नंबर, वो नंबर प्रोवाइड करेंगे ताकि आप देख सकते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल कहाँ तक पहुँचा है, कौन सा वेयरहाउस तक पहुँचा है, आप डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो में बने रहिए, सामने इसका नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे हम लोग का एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक स्कूल वैन बन रहा है जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं ताकि आप लोगों का एक इंटरेस्ट बना रहे, उसमें आपको कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो रहा है कि इसका पहले हम लोग ऐसा कभी नहीं किए हैं, उसमें से 3 चीज हम आपको बोलने वाले हैं आज, लेकिन बाद में आपका जो गाड़ी का वीडियो आएगा उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज हम आपको 2-3 चीज बोलना चाहते हैं कि बहुत सारा कस्टमर का ये सब डिमांड रहता है, तो उसी कारण से हम लोग को ये जो गाड़ी है उस गाड़ी को हम लोग बनाए हैं, जैसे करके कुछ कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है सर बहुत स्पीड होना चाहिए, तो हम लोगों का ये जो नेक्स्ट गाड़ी का वीडियो आने वाला है स्कूल वैन, उसमें आपका L5 किट लगा है, दताई का L5 किट है, जहाँ पे आपका जो मोटर है उसका मोटर का वाटेज भी बहुत ज्यादा है, 2 से 2.5 टन का लोडिंग कैपेसिटी भी है, उसका चेसिस भी चौड़ा है, लंबाई भी चौड़ा है, उसमें आपका 48 इंच का डिफरेंशियल लगा है, उसमें गियर फंक्शन है जो मैनुअल गियर दताई का L5 किट में आता है, डबल गियर जिसको बोला जाता है, और उसका नॉर्मल स्पीड जो है 55 to 60 km/h का स्पीड है, और उसमें जो पीछे का जो टायर है वो टायर भी मॉडिफिकेशन हुआ है और वो भी अपग्रेड हुआ है, थोड़ा हायर वर्जन का टायर यूज हुआ है जो 4-व्हीलर में यूज होता है, अब कौन सा टायर यूज हुआ है आप उस वीडियो में देखिएगा। और उसमें और एक चीज खासियत है कि उसमें आपका ऊपर में सोलर पैनल लगा है और गाड़ी में लिथियम बैटरी के साथ वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप जब देखिएगा उस वीडियो के लिए आप वेट करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा नया नया मॉडिफिकेशन हम आपको लिए आपके लिए हम ला सके, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मेरा चैनल में सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑन करके रखिए ताकि सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन आए। तो अगर आपको आज के लिए अगर ये आपको खरीदना है तो बेझिझक कॉल करिए, और टाइमिंग काइंडली 9 बजे, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का टाइम में आप कॉल करिए, उसके बाद अगर कोई कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप करिए आपका रिक्वायरमेंट, हम अगर बहुत इमरजेंसी है तो हम खुद आपको कॉल कर लेंगे। प्लीज काइंडली ये जो टाइम है ये टाइम को मेंटेन करिए क्योंकि यही ऑफिस आवर होता है, इसके बाद जाके काइंडली कॉल मत करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।